जैसा कि आप जानते हैं कि अनूप जलोटा और जैस्लीन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन के आए हैं, तो उनका रिलेशन आपको रियल लग रहा है या फेक है, क्या कहना चाहेंगे आप? वैसे तो एज का कोई मायने नहीं रखता किसी भी रिलेशनशिप में। कि भगवान ने अखरोट भी उसको जिसके दांत नहीं है कि भगवान ने अखरोट भी उसको जिसके दांत नहीं है कहावत है ना, प्यार अंधा होता है, लव हैज नो एज। दादा की एज का लगता है। आज़ाद देश है, यहाँ पर हर किसी को अपने रिलेशन चुनने की आज़ादी है। नमस्कार, मैं हूँ राजीव सिरसा और आप सभी देख रहे हैं NMF न्यूज़। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि बिग बॉस का 12वां सीजन स्टार्ट हो चुका है और 17 कंटेस्टेंट बिग बॉस के घर के अंदर जा चुके हैं। और आपको मैं बता दूं कि सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी वाली जो जोड़ी, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ अनूप जलोटा और उनकी गर्लफ्रेंड जसलीन की, तो ये सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी वाली जोड़ी है बिग बॉस के अंदर। तो इस बारे में, इनके रिलेशनशिप के बारे में लोग क्या सोचते हैं, आइए उनसे बात करते हैं। वैसे तो एज का कोई मायने नहीं रखता किसी भी रिलेशनशिप में, मतलब कहते हैं ना, लव हैज़ नो बाउंड्रीज। हाँ, लव हैज़ नो बाउंड्रीज। लेकिन इस केस में मुझे लगता है कि बिग बॉस का प्रमोशन ज़्यादा है, क्योंकि जिस टाइम पे ये चीज़ बाहर आई है, मतलब वो जो टाइमिंग उन्होंने चूज़ किया है टू कम आउट विद देयर रिलेशनशिप, तो उससे मुझे लगता है मे बी इट इज़ अ मेड अप रिलेशनशिप। और सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट आपको कौन लगता है इस बिग बॉस 12 में? मैं बिग बॉस एक्चुअली देखती हूँ। ओके, आई थिंक दीपिका इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट। एंड वीक कंटेस्टेंट? वीक में अनूप जी हो सकते हैं, पता नहीं, कह नहीं सकते, लेकिन जोड़ी में है इसलिए कह नहीं सकते। एक्चुअली किसी को भी नहीं लगता कि उनका रिलेशन रियल है एक्चुअल में, बिकॉज अभी जो लास्ट टास्क हुआ था आपने भी देखा था, जसलीन ने खुद ही कह दिया था कि आई कांट से हिम एज अ बॉयफ्रेंड, आई कैन नॉट से कि ही इज़ माई बॉयफ्रेंड, सो वट डज दिस मीन एक्चुअली कि ही इज़ नॉट, शी इज़ नॉट रेडी टू एक्सेप्ट हिम एज अ बॉयफ्रेंड, सो वट डज दिस मीन, दिस रिलेशनशिप आई डोंट थिंक सो इज़ अ रियल वन। तो आपको क्या लगता है कि अनूप जलोटा जी को ये 3 महीने में जो सीज़न पूरा होता है उसके बीच में ही छोड़ देंगी? हाँ, क्योंकि हो सकता है, क्योंकि बाकी जोड़ियाँ उन पर प्रेशर डालेंगी, तो हो सकता है कि उनको वो प्रेशराइज होकर, वो हो सकता है उनके दबाव में आकर, वो हो सकता है क्विट कर दें या फिर उतना अच्छा परफॉर्म ना कर पाएं जितना उनको करना चाहिए एक्चुअल में। तो किसी जैस्लीन है वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ जाएगी? हाँ, हो सकता है, बिकॉज ऐसे चांसेस हैं बिग बॉस में, ऐसे हमने देखा भी है कि लास्ट सीजन्स में ऐसा होता हुआ आया है कि जो कपल्स आते भी हैं वो भी किसी और के साथ मिस मैच हो ही जाता है उनका, तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि जसलीन हो सकता है किसी और के साथ अट्रैक्ट हो जाए। देखिए, आज तक तो यही पता था कि जो भी आता है जोड़ियों में ही आता है, बट वो कहावत है ना, प्यार अंधा होता है, लव हैज़ नो एज। हो भी सकता है कि ये लोग सही में रिलेशनशिप में हो, या पब्लिसिटी के लिए, एक पब्लिसिटी स्टंट भी हो TRP बढ़ाने के लिए। आप तो दोनों तरफ हो गए, एक आपको क्या लगता है ये बताइए। मेरे हिसाब से, मैं एक लेखक हूँ तो मैं प्यार के ऊपर लिखता हूँ। हाँ, प्यार अंधा भी होता है, प्यार की कोई सीमा नहीं होती है, प्यार की कोई उम्र नहीं होती, तो शायद मेरे हिसाब से रियल है। आपको क्या लगता है कि अब 3 शादियाँ उन्होंने कर चुके हैं और अब ये जैस्लीन के साथ अपने प्यार को शादी में तब्दील करेंगे या नहीं? अगर जैस्लीन से कोई अच्छी मिल गई तो शायद 5वीं की तरफ भागेंगे। ओके, दे हैव सम कनेक्शन, आई फील दैट, बट ये इसका नाम क्या है, दे आर सेइंग कि वी कांट गिव इट अ नेम, बट आई फील कि दे आर एंटरटेनिंग पीपल एंड दे विल गो टिल एंड, सो तो कमिट ऑन द रिलेशनशिप पार्ट। तो क्या लगता है कि आपको कि इनका जो प्यार है वो आने वाले टाइम में शादी में तब्दील हो सकता है? नहीं, शादी तो नहीं शादी में नहीं होगा। नहीं, नहीं। आपको ऐसा लगता है कि बिग बॉस में जो 3-4 महीने ये चलता है उसके अंडर जो जैस्लीन उन्हें छोड़ देगी उसी में बिग बॉस में? हाँ, ये हो सकता है, ये हो सकता है। फॉर द फेम फॉर विच शी इज यूजिंग अनूप, ही इज ऑलरेडी नोन पर्सनालिटी, सो ये हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि बुड्ढे और बच्चे का रिलेशन चल रहा है यहाँ पर, क्योंकि वो बहुत बड़े हैं और वो बहुत छोटी है एज के अकॉर्डिंग भी, उनके अकॉर्डिंग भी वो बहुत छोटी लगती है उनसे। और आपका क्या कहना है? ये तो फेक है, दिस कम्प्लीटली फेक, या तो सिर्फ बिग बॉस के लिए है या ये आउटसाइड भी सिर्फ मनी के लिए हो सकता है। अच्छा, और आपका क्या कहना? बिल्कुल फेक है, एकदम बिल्कुल बकवास, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वो बड़े हैं और वो छोटी सी हैं। इसमें कुछ लोग का ये भी कहना है कि हमें किसी की पर्सनल रिलेशनशिप के ऊपर नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि बोलते हैं ना प्यार को जो चुनने का हक सबको अपना अपना होना चाहिए, तो इतना अंधा प्यार किसको होता है भाई
ये कुछ ज्यादा अंधा प्यार है, लेकिन डम नहीं हो सकता इवन दादा के तरह, दादा के एज का लगता है। आपको पता है 3 शादियां ऑलरेडी कर चुके वो। हाँ जी, फेक है एकदम। जो ये भी शादी होगी वो भी फेक ही होगी। तो चलेगा 20 इयर्स का गैप है उन लोग में। हाँ, एक चीज मुझे बताइए, जैसे आपको लगता है पूरे गेम के टाइम पे क्या पता दोनों अलग अलग, क्योंकि अभी ऐसा है कि अनूप जलोटा जी ने दूसरी लड़कियों के साथ भी फ्लर्ट करना उन्होंने शुरू कर दिया, तो आपको क्या लगता है कि दोनों साथ में रहेंगे आगे तक, विचित्र जोड़ी आगे तक चलेगी? मुझे जसलीन का नहीं लगता कि वो साथ रहेंगे। जसलीन पलट सकती है। आपका? बिल्कुल पलट सकती है। अनूप, अगर जसलीन की जगह कोई किसी और को आप देखना चाहें अनूप जी के साथ, तो आई थिंक उन्हें होना चाहिए किसी के साथ। मेरे हिसाब से तो कोई भी नहीं है उनकी एज के अकॉर्डिंग, तो वहाँ पर कि उनके साथ अगर दिखे कोई वो जोड़ी पेयर बनता भी है तो वो जसलीन जैसा ही पेयर बन जाएगा। सर मैंने सुबह ही एक वो देखा था, एक मेम आया हुआ था इंस्टा पे, उसमें लिखा था कि भगवान ने अखरोट भी उसको जिसके दांत नहीं है। तो सर अब आप ही देख लीजिए, लोग जो बोल रहे हैं अखरोट के बारे में और दांतों के बारे में, वो सबका जो व्यू है वही हमारा ही व्यू है। आपको नहीं लगता कि ये चौथी शादी करेंगे अनूप जलोटा जी? 3 तो कर चुके हैं पहले ही। सर शादी का तो मेरे को लगता ही नहीं, क्योंकि जिस तरह से जसलीन है वो बड़ी जल्दी ही कभी करण के साथ हो लेंगी, कभी किसी के साथ हो लेंगी। यानी आप कहना चाहते हैं कि वो बीच में ही छोड़ देंगे, बिग बॉस में ही छोड़ देंगे अनूप जलोटा जी को? सर कहना तो मैं जो चाहता हूँ आप कह ही रहे हैं। मैं कहना चाहूँगा कि इसमें हम लोग जज करने वाले कोई नहीं होते हैं, ये उनका पर्सनल डिसीजन है और वो जैसे चाहें कर सकते हैं। ये इंडिया एक आज़ाद देश है, यहाँ पर हर किसी को अपने रिलेशंस चुनने की आज़ादी है। नहीं वो तो है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि रिलेशनशिप आपको क्या लगता है वो फेक है या ट्रू है? जो उनका रिलेशनशिप है वो रियल है या फिर उन्होंने बस बिग बॉस में आने के लिए एक फेक रिलेशन क्रिएट किया है? सच बोला जाए तो मेरे को तो फेक लगता है यार, ये फेक लगता है। तो आपको नहीं लगता कि उन्होंने 3 शादियाँ कर ली और चौथी वो करेंगे? नहीं मुझे नहीं लगता, मेरे को लगता पूरी तरह फेक है ये और सिर्फ कंट्रोवर्सी के लिए। जितने भी कंटेस्टेंट आए हैं उसमें आपको स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेस्टेंट कौन लगता है? सबसे स्ट्रॉन्ग इस पर्टिकुलर टाइम पे मुझे करमवीर लगता है, क्योंकि पॉपुलैरिटी के हिसाब से देखा जाए तो करमवीर के पहले ही बहुत फैंस हैं। अनूप जलोटा जी एक हिसाब से लुप्त हुई कैटेगरी में आते हैं, मतलब एक सीमा के लोग ही उनको जानते हैं और पहचानते हैं जिन्होंने उनको सुना है, तो करमवीर का जहाँ तक चांसेस हैं वो निकाल ले जाएगा। ओके, और वीकेस्ट कंटेस्टेंट कौन सा लग रहा है आप? वीकेस्ट जो दीपक ठाकुर के साथ जो आई हैं उर्वशी, वो क्योंकि ना उनका ज़्यादा इंटरेक्शन भी नहीं है इतना, बहुत ही सिंपल बैकग्राउंड से बाहर हैं, तो शायद वीक मेरे हिसाब से उर्वशी है। और जितने भी कंटेस्टेंट आए हैं 17, आपको क्या लगता है कि पिछले सीजन से ज़्यादा एंटरटेन कर पाएंगे? मेरे ख्याल से तो नहीं, एक्सपेक्टेशन के हिसाब से तो नहीं है फिलहाल जहाँ तक है। स्ट्रॉन्गेस्ट सेलिब्रिटी में दीपिका और नो कॉमन में दैट कॉमन मैन दीपक आई गेस, सो ही दे आर एंटरटेनिंग पीपल, दे आर गेटिंग इन्वॉल्व विद द एंटायर क्राउड, सो आई फील देम स्ट्रॉन्ग। ओके, तो वीक कंटेस्टेंट कौन लगता है आपको? वीक कृति वर्मा, उसका इतना कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है अभी शो में, तो एज ऑफ नाउ द वन अलॉन्ग शी केम विद दैट जोड़ी कृति वर्मा एंड हर पार्टनर। तो ये जितने भी कंटेस्टेंट आए हैं आपको लगता है कि ये जो पिछला सीजन था उससे ज़्यादा एंटरटेन कर पाएंगे इस बार? आई कांट कमिट बिकॉज इट्स ओनली वन डे, बट या आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। मुझे सबसे दीपिका शी इज सेइंग दीपिका। ओके, अकॉर्डिंग टू मी द स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेस्टेंट इज द वेट आई एम फॉरगेटिंग, नाम याद नहीं है आपको शायद। ओके, तो आप मुझे ये बता दीजिए लास्ट में कि सबसे वीक कौन लगता है आपको कंटेस्टेंट? करण बोरा। हाँ, करण बोरा मुझे स्ट्रॉन्गेस्ट लगता है बिकॉज ही इज़ वेरी नाइस पर्सन, ऑल्दो उन्होंने नेगेटिव रोल्स कर रहे हैं टीवी चैनल्स में, बट ही इज़ वेरी नाइस पर्सन जितना अभी तक मैंने देखा है अभी 2 or 3 days में, सो आई थिंक ही इज़ स्ट्रॉन्गेस्ट वन एंड वो काफ़ी आगे तक जाएंगे। एंड वीकेस्ट मुझे जलोटा जी लगते हैं, जो जो उनके ऊपर जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं बेसिकली, तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि वो वीक है, नथिंग एल्स। एंड आई थिंक पब्लिक उनको एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रही है। अच्छा, इसके बाद मुझे बताइए आपको क्या लगता है कि इस बार का जो सीज़न आया है, हर बार क्योंकि अगर आप फॉलो करते हो तो इस बार का सीज़न आपको क्या लगता है कंटेस्टेंट जो आए हैं वो सेटिस्फाई हो आप इन चीज़ को लेकर कि जो सही है अच्छे से आए हुए सारे? आई गेस नहीं, क्योंकि उनमें से कोई ऐसा नहीं है कि जो हमें एंटरटेन कर सके या फिर कुछ
जैसे लास्ट सीजन में अर्शी को देखा था, इस बार ऐसा हमें कुछ भी देखने को नहीं मिलने वाला है। हिना खान भी बहुत एंटरटेनिंग, शिल्पा भी थी उस टाइम लास्ट सीजन। सेलिब्रिटीज में सिर्फ 5 आए हैं जिसमें से कि मुझे नहीं लगता कुछ करने वाले हैं ज्यादा, कॉमनर्स ही करेंगे ज्यादातर। तो आपको क्या लगता है कि इस बार की जो जोड़ियां जो हैं वो स्ट्रांग है या जो सिंगल जो आए हैं, मतलब जो सेलिब्रिटीज में सिंगल आए वो ज्यादा स्ट्रांग है? आई थिंक सिंगल स्ट्रांग है। और एक बात, एक चीज के और, जो दीपक जी आए हैं जो बिहारी टोन को लेकर आए हैं, वो आपको कितना एंटरटेन कर रहे हैं? वो बहुत एंटरटेनिंग है, उसकी तो हर एक आर्ग्यूमेंट पे भी हंसी आती है, वो आर्ग्यू भी ऐसे करता है। आपका क्या कहना है, आपका कौन फेवरेट है अभी पूरे उसमें? आई थिंक अभी तो दीपिका। दीपिका आपका? सेम दीपिका एंड करण भी। और लग रहा है कि कौन अभी, तो ऐसे दो ही दादी, बहुत जल्दी क्वेश्चन है, ज्यादा पूछना नहीं चाहिए, मगर ऐसा क्योंकि अभी है खबरें कि करणवीर को बोल रहे हैं कि वो शायद शो जीत सकते हैं। मेरे हिसाब से दो दिन का जो हमने देखा उस हिसाब से मे भी दीपिका हो सकती है। हाँ सर, सबसे स्ट्रांग मेरे को दीपक लगे हैं, क्योंकि जिस तरह से उनकी इनोसेंस और सादगी है और जिस तरह से बोलते हैं वो बहुत जल्दी मेरे को लगता है सबके दिलों को छा जाएंगे और अपनी जगह बनाएंगे सबके दिमाग और दिलों में। और सबके सबसे वीक कंटेस्टेंट? सर सबसे वीक मेरे को इस समय जो लगी वो लगी सर मेरे को जो दीपक की पार्टनर है, क्योंकि वो थोड़ा कम बोलती हैं, थोड़ा अपने थोड़ा कंजर्वेटिव हैं, तो इसलिए मेरे को लगता नहीं वो ज़्यादा जल्दी सबसे खुल पाएंगी। और जो दो सिस्टर्स भी आई हैं वो भी काफ़ी अच्छी कंपेटिटर हैं एज़ कम्पेयर टू द अदर मेंबर्स, क्योंकि वो लोग बिल्कुल स्पष्ट बोलते हैं और बिल्कुल खुल के बोलते हैं, किसी से घबराते नहीं हैं वो दोनों। सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट इसमें एक नई जोड़ी आई है, अनुराग कश्यप की मूवी में गैंग्स ऑफ वासेपुर में एक लड़के ने काम किया जो सिंगर है, मैं एग्जैक्टली नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ, वो और उसकी एक जो उसे सीखती है लड़की, वो एक गर्लफ्रेंड आई है, वो मुझे लगता है फैन है उसकी, वो मुझे बहुत क्यूट जोड़ी लगी उसमें। और वीक जोड़ी कोई? वीक जोड़ी ये तो अब देख के ही मालूम पड़ेगा आगे जाकर के कौन सी वीक है कौन सी स्ट्रॉन्ग है। और श्रीशंत के बारे में क्या कहेंगे? श्रीशंत के बारे में, श्रीशंत का आना कोई इतना हैरान करने वाली बात नहीं, क्योंकि बहुत सारे पहले लिस्ट में वो रहा है, जो लीक लिस्ट होती है उसमें उसका नाम रहा है, तो इस बार हो सकता है कि हम एक्सपेक्ट भी किया था कि शायद आएगा, तो श्रीशंत बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है। ऑब्वियसली उसका बैकग्राउंड बोलता है कि उसको पॉलिटिक्स खेलने के बाद अच्छी आदत है, और पॉलिटिशियन लड़की से शादी भी की है उसने तो देखते हैं अब आगे क्या पॉलिटिक्स खेलता है बिग बॉस में। तो दोस्तों देखा आपने कि ये थी जनता की राय, वो क्या सोचते हैं इस अनूप जलोटा और जैस्लीन के रिलेशनशिप के बारे में। और पूजा आपको क्या लगता है, सबने कहा है कि ये फेक है, आप क्या सोचती है इसके बारे में? मेरे हिसाब से भी वो फेक ही जोड़ी है, क्योंकि ज़्यादा टाइम तक चलेगी नहीं, क्योंकि जैसी लोग ही राय वही राय मेरी है, क्योंकि मेरे को भी एक एज गैप वाला ऐसा रिलेशनशिप मेरे को अभी ऐसा सूट नहीं कर रहा, दिमाग में लग ही नहीं रहा कि भैया ये ऐसा कैसे हो सकता है, 3 शादियों के बाद भी वापस आए, तो अभी मेरी भी वही राय है जो लोगों की राय है। चलिए देखते हैं कि बिग बॉस में आगे हमें क्या क्या देखने को मिलता है, क्या क्या कंट्रोवर्सी सामने आती है। आप हमारे चैनल NMF को सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए NMF न्यूज़।